शहर में मरीजों को इमरजेंसी के समय एम्बुलेंस नहीं मिलने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसे ध्यान में रखते हुए आज मनपा द्वारा नई 25 एम्बुलेंस शहर की जनता की सेवा में शुरू की गई। ऐसी जानकारी स्थायी समिति सभापति विजय झलके इन्होंने दी है। नागपुर शहर में बीते कई दिनों से एम्बुलेंस की कमी थी, जिस कारण मरीजों को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलती थी, जिससे दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उसी के मद्देनजर निशुल्क एम्बुलेंस सेवा आज मनपा द्वारा शुरू की गई है। दिवसांपासून नागपूर महानगर पालिकेच्या पूर्ण विविध भागात ॲम्ब्युलन्सच्या संदर्भात मोठी तक्रार करतो आणि ह्या ॲम्ब्युलन्स न मिळणे त्याच्यामुळे अनेक लोकांना याबाबतीत त्रास होत होता। याकरिता नागपूर महानगरपालिकेने या सर्व गोष्टीची दखल घेत तात्काळ ॲम्ब्युलन्सची उपलब्धता व्हावी याकरिता नागपूर शहराकरिता 65 ॲम्ब्युलन्सची व्यवस्था केलेली आहे। यापूर्वी शहराकरिता 40 ॲम्ब्युलन्स कार्यरत होत्या, आता मात्र नव्याने आज 25 ॲम्ब्युलन्स माननीय महापौरजी, माननीय आयुक्त महोदय आणि सर्व पदाधिकारी यांनी चर्चा करून आज नव्याने 25 नवीन ॲम्ब्युलन्सची उपलब्धता नागपूर शहराकरिता केलेली आहे। हर झोन में ॲम्ब्युलन्स की सेवा शुरू की गई है। हर झोन में 4 से 5 ॲम्ब्युलन्स दी गई है। इससे पहले शहर में 40 ॲम्ब्युलन्स कार्यरत थी और अब नई 25 ॲम्ब्युलन्स आज से शुरू की गई है। ऐसी जानकारी स्थायी समिति के सभापति विजय झलके द्वारा दी गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इन बीसीएन न्यूज नागपुर।